इस वीडियो में हम जानने वाले प्रो कबड्डी सीजन 11 के लिए सारे 12 टीम्स के कवर्स डो के बारे में, कौन खेलने वाला है राइट कवर एंड लेफ्ट कवर की पोजीशन टीम्स के लिए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सारे 12 टीम्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा, कौन खेलने वाला है राइट एंड लेफ्ट कवर और अपना एक डुओ फॉर्म करने वाला है कवर्स पोजीशन पे। स्टार्ट करते इस वीडियो को, पीकेएल 11 के लिए क्या होने वाला है कवर्स डुओ। सबसे पहली टीम होने वाली है हमारी युमुंबा की टीम। युमुंबा का कवर्स डुओ बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, जहाँ पे डुओ होने वाला है सुनील परवेज का। एक तरफ सुनील कुमार खेलेंगे राइट कवर और एक तरफ खेलेंगे लेफ्ट कवर पे परवेज भैंसवाल। ये डुओ कहने को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है, क्योंकि सुनील कुमार और परवेज भैंसवाल की जोड़ी सीजन 6, 7, 8 में गुजरात के साथ रही है। उसके बाद 2 सीजन ये दोनों अलग अलग टीमों के लिए खेले हैं, लेकिन सीजन 11 में दोनों का मिलाव होने वाला है। और सुनील परवेज की जोड़ी जब एक साथ खेलती है तो किस तरह का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है, हम सबको पता है, और बाकी टीमों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। दोनों प्लेयर्स यहाँ पर युमुंबा की टीम में इस बार है। दूसरा डुओ होने वाला है आंसू और महेंद्र सिंह का। सबसे पहले ये कवर पर हम आ जाए तो आंसू सिंह, जो कि लगातार यूपी के लिए खेलते हुए आ रहे राइट कवर में, उनको रिटेन किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छे कवर डिफेंडर है। और उनके साथ निभाएंगे लेफ्ट कवर पोजीशन पे महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह भी एक बहुत अच्छे डिफेंडर है, लास्ट 2 सीजन से उतने अच्छे लय में नहीं है, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इस बार महेंद्र सिंह अपने टीम का जो उम्मीद है यूपी उदास पर, उस पर खड़े उतरेंगे। हमारी तीसरी टीम होने वाली है जयपुर पिंक पैंथर्स की। जयपुर पिंक पैंथर्स को मिला एक नया कवर डुओ। लेफ्ट कवर तो वही है रेजा मीरबगेरी, राइट कवर पे होंगे सुरजीत सिंह। सुरजीत और रेजा मीरबगेरी का एक नया डुओ देखने को मिलेगा। सुनील कुमार जा चुके युमुंबा, उनके जगह आ चुके अनुभवी खिलाड़ी सुरजीत सिंह, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो संभालेंगे जयपुर के लिए एज अ राइट कवर। और लेफ्ट कवर पे एक और बहुत ज़्यादा खतरनाक ईरान के डिफेंडर रेजा मीरबगेरी, जो कि बहुत कंसिस्टेंटली प्रो कबड्डी में कवर में अच्छा कर रहे हैं। दोनों का डुओ कितना खतरनाक होगा कॉमेंट करना। अगली टीम होने वाली तमिल थलाईवास का। डुओ होने वाला है एम अभिषेक और मोहित का, जहाँ पे एम अभिषेक खेलेंगे राइट कवर पे और मोहित, जिनका नाम पूरा मोहित जाकर है, वो यहाँ पे लेफ्ट कवर खेलेंगे। ये दोनों खिलाड़ी सीजन 8 से एक ही साथ खेल रहे हैं, दोनों को अपना कॉम्बिनेशन पता है, दोनों को अपना रोल पता है, और इसलिए तमिल थलाईवास के लिए ये डुओ इस बार भी हमें सक्सेसफुल होती हुई नजर आ सकती है। और बाकी टीमों के लिए कितना खतरनाक होने वाला है कॉमेंट कीजिएगा। अगली टीम पर आ जाए तो अगली टीम यहाँ पे होने वाली है, आप देख सकते हो, दबंग दिल्ली की, जहाँ पे डुओ होने वाला है 2 जूनियर खिलाड़ी हिम्मत और विक्रांत का। हिम्मत अंतिल खेलेंगे राइट कवर और विक्रांत खोकर खेलेंगे लेफ्ट कवर। ये जो डुओ है, इनको लास्ट टाइम जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप से पिक किया गया था और ये दोनों का डुओ डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया। उम्मीदें बहुत ज़्यादा है दबंग दिल्ली को, एक यंग फॉर्मेशन के साथ जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है हिम्मत और विक्रांत अपने उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे दबंग दिल्ली के लिए पीकेएल 11 में। अगली टीम तेलुगु टाइटन्स की है। तेलुगु टाइटन्स के लिए डुओ होने वाला है मिलाद जबारी और अजीत पवार का, जहाँ पे मिलाद जबारी राइट कवर संभालेंगे, जो ईरान से है, उनको वापस ऑक्शन में बेस्ट प्राइस पे खरीदा है। और अजीत पवार, जो कि आपके लेफ्ट कवर डिफेंडर, जिनको आपने इलाइट प्लेयर में रिटेन किया था, बहुत इंप्रेस किया था लास्ट सीजन। उम्मीद है दोनों का जो कवर्स का डुओ है इस बार तेलुगु टाइटन्स के लिए सक्सेसफुल साबित होते हुए नजर आए। चलते अगली टीम पर। अगली टीम होने वाली पुनेरी पटन पर, जहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। अभिनेश और संकेत सावंत की जोड़ी, जाके अभिनेश नदराजन संभालने वाले राइट कवर की पोजिशन पर और संकेत सावंत हमें लेफ्ट कवर पर नजर आएंगे। ये डुओ भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि पुनेरी पटन के लिए ये दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है सीजन 8, 9, 10 से, लगातार 3 सीजन से रिटेन हो रहे। अपने कंसिस्टेंसी से ये बाकी टीमों के लिए कितना खतरनाक होंगे ये भी आप कमेंट कीजिएगा। अगली टीम होगी बेंगलुरु बुल्स पे, जहाँ पे डुओ होने वाला है पोन प्रतिबन सुब्रमण्यन और प्रतीक गुलिया का, जहाँ पे प्रतिबन आपके लिए खेलेंगे राइट कवर पोजीशन पे और लेफ्ट कवर पे आपके लिए प्रतीक गुलिया खेलेंगे। एक तरफ अनुभव है पोन प्रतिबन का, जो पहले भी बुल्स के साथ खेले हैं, उससे पहले तमिल थलाईवास के लिए खेले हैं, कोच साहब ने बहुत भरोसा दिखा के रिटेन किया, उम्मीद अच्छा करे। और प्रतीक गुलिया ने भी लास्ट टाइम अच्छा खेला था, उम्मीद है ये दोनों का डुओ सक्सेसफुल साबित हो। अगली टीम होने वाली है पटना पायलट्स में, जहाँ पे डुओ होने वाला है दीपक और गुरदीप का। दीपक सिंह, याद कीजिए, गुजरात जायंट्स के लिए वो कितना अच्छा खेले थे, वो यहाँ पे राइट कवर पे संभालने वाले। और लेफ्ट कवर पे आपके पास है गुरदीप सांगवान, जो कि यूपी उदास के लिए 2 सीजन से लेफ्ट कवर संभाल रहे। मुझे उम्मीद है ये दोनों का डिफेंस का जो डुओ बनाया ना कवर्स पे, वो अच्छा साबित हो सकता है पटना पायलट्स के लिए। पटना ने दोनों पे काफ़ी अच्छे पैसे इन्वेस्ट किए और अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं खिलाड़ी। अगली टीम होने वाली गुजरात जायंट्स का। यहाँ पे कुछ मैंने नया सोचा है, डुओ होगा नीरज और मोहम्मद इस्माइल लवीबक्स का। नीरज कुमार कोच साहब के फेवरेट है पटना से, और उन्होंने गुजरात में ले आए हैं, मोस्ट लाइकली कप्तानी भी करेंगे, राइट कवर संभालेंगे। लास्ट सीजन चलो जो भी हुआ उनको भुला के एक नया सीजन से एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट कवर पे आपके पास है मोहम्मद नवीबक्स का एक्सपीरियंस, ऑलराउंडर है पर मोस्टली एज अ लेफ्ट कवर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगली टीम होने वाली है बंगाल वॉरियर्स का। डुओ किसका होगा, वैभव गर्जे और श्रेयस उम्बर्धन। ये दोनों खिलाड़ी लास्ट टाइम भी इसी टीम में थे, वैभव को रिलीज किया फिर अनसोल्ड होगा, ये एक तरीके से मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, फिर बाद में खरीद लिया, चलो वैभव मिल गया, मयूर कदम भी है, लेकिन वैभव गर्जे को खिलाएगी वॉरियर्स, ऐसा मुझे लगता है। राइट कवर के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है और
और लेफ्ट कवर पे कौन होंगे, श्रेयस उम्बर्धन, ये होगा बंगाल का कवर्स डुओ। लेट्स मूव टू द लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, हरियाणा स्टीलर्स डुओ कौन होने वाला है, संजय और जयदीप। मोहित किधर है उस पर थोड़ा आगे चर्चा करूंगा। राइट कवर पे अब आ चुके हैं संजय, ठीक है, ये राइट कवर पे खेलेंगे और लेफ्ट कवर पे आपके कप्तान, आपके बेस्ट प्लेयर डिफेंडर जयदीप दहिया, जो कि लेफ्ट कवर संभालने वाले। अब इसमें कुछ चर्चा करने वाला हूँ मैं मोहित नांदल पे। देखो मैं कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक कोई भी तरह का ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। टीमों ने अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कि मोहित इस सीज़न हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, थैंक यू मोहित करके एक पोस्ट आया था, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो मोहित नांदल इस सीज़न से बाहर हो गए निश्चित रूप से, लेकिन जयदीप दहिया आपके साथ है, मोस्ट लाइकली एक ही कप्तान होंगे, लास्ट टाइम दो थे, जयदीप दहिया कप्तानी करेंगे। अब मोहित के जाने के बाद हरियाणा स्टीलर्स का जो कवर्स डुओ है ना, वो थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, क्योंकि मोहित जब रहते थे तो जयदीप पे प्रेशर नहीं रहता था। अब मोहित टीम के साथ जुड़े नहीं है, लेकिन संजय करके खिलाड़ी आया जो कि मुझे देखने को मिले जूनियर में, अच्छा खेले है, ठीक है। अगर आप K7 कबड्डी फॉलो करते हो तो वहाँ पर आप इनके टैकल्स देख सकते हो, युवा कबड्डी भी खेले हैं, वहाँ पर भी वो डिसेंट खेले हैं। अब जयदीप के साथ जो मोहित का रोल था वो बिल्कुल वो सेम नहीं हो पाएगा, मोहित के बिना कैसे हरियाणा कवर्स खेलेगा, ये एक दिक्कत का विषय बन चुका है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जयदीप अपनी टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से लीड करेंगे और डिफेंस में भी अच्छा करेंगे, और सेम रोल यहाँ पर संजय को दिया जाएगा, क्योंकि मोहित नांदल आपके लिए एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी बन चुके थे, इतने सीजन खेले आपके लिए, चलो इस सीज़न अवेलेबल नहीं जो भी कारण है, ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है संजय अच्छा कर सकते। तो ये थे सारे 12 टीम्स के कवर्स डुओ के बारे में। आपके फेवरेट टीम कौन से है, कौन सा कवर डुओ आपको सबसे अच्छा लग रहा है, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा हर कबड्डी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए।